इस समय की बड़ी खबर, उदयपुर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तबीयत वहां पर बिगड़ गई है। अशोक परनामी के भतीजे की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंची थी उदयपुर में होटल उदय विलास। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम पहुंची है। प्राथमिक तौर पर बीपी की शिकायत अभी बता दें आपको सामने आई है। सांवलिया जी मंदिर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे प्रदेश की मुखिया, उनकी तबीयत भी नासाज होती नजर आई है। डॉक्टर्स की टीम उदय विलास पहुंची है। प्राथमिक उपचार के बाद बीपी की शिकायत फिलहाल सामने आई है। यहां पर वसुंधरा राजे अशोक परनामी के भतीजे की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। बीपी की शिकायत सामने आई है। डॉक्टर्स लगातार सीएम राजे की तीमारदारी कर रहे हैं, इलाज चल रहा है। तबीयत वसुंधरा राजे की नासाज बताई जा रही है। उदयपुर में कई और कार्यक्रम थे जहां पर मुख्यमंत्री पहुंची थी सभी कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से जो परेशानियां हैं वो सामने आई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एवं संवाददाता रवि हमसे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, बताना चाहूंगा कि सीएम राजे की जो है वो अचानक से तबियत बिगड़ी, उसके बाद जो है उनका जो सांवलिया जी में जो वहां पर उनका स्वर्ण कलश और ध्वजारोहण स्थापना का जो कार्यक्रम था वहां जो जाना था वो टल चुका है उनका, और अभी इस वक्त वो होटल उदय विलास में है। कल शाम को वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के अशोक परनामी, उनके भतीजे की शादी समारोह था उसमें उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद वो होटल उदय विलास में ही थी। सुबह जब उनको जाना था तो अचानक से उनकी तबियत खराब हुई और उसके बाद से जो उनके जो लगभग कार्यक्रम थे वो थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं, और दो बार जो है डॉक्टर की टीम अभी तक उनकी जो है हालत की स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर वहां पर है और बताया जा रहा है कि कोई लो ब्लड प्रेशर की जो है वो अभी तक शिकायत सामने आई है। जी रवि, अभी वर्तमान में तबीयत कैसी बनी हुई है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है स्थिति थोड़ी सामान्य सी बनी हुई है। हालत जो है उनकी जो तबीयत है वो भी थोड़ी नासाज है, लेकिन वो अभी शायद इतना स्वस्थ नहीं है कि वो अपना जो है उनके हेलीपैड पर उनको पहुंचना था और वहां से पहुंच के वो सांवलिया जी जा सके, क्योंकि जब ये इतना जो गैप हो गया 2 घंटे का, क्योंकि उनको 10 बजे पहुंचना था और उसके बाद वो नहीं पहुंच पाए, तो जो सांवलिया जी का जो कार्यक्रम था वो वहां पर संपन्न हो चुका है। तो अब यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब वो सांवलिया जी नहीं जाएगी, और क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो डॉक्टर ने उनको थोड़ा आराम करने के लिए कहा है, तो वो अब ये लगता है कि वो उदयपुर ही अभी होटल जो है वो वहां विश्राम करेगी, क्योंकि बीजेपी के काफी पदाधिकारी भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीएम की अचानक तबियत खराब हुई और हेलीपैड पर जो पूरा प्रशासनिक अमला था वो भी इस इंतजार में काफी देर से बैठा हुआ था कि शायद जो है उनकी स्थिति में सुधार हो जाए, उसके बाद वो यहाँ आएगी और यहाँ से शायद वो सांवलिया जी के लिए प्रस्थान कर देगी। लेकिन जो पूरे कार्यक्रम थे उसमें पूरा फेरबदल हो चुका है। जिला कलेक्टर को भी उन्होंने उदय विलास होटल बुला लिया था डॉक्टर की टीम के साथ में, और शायद जिस तरह की जो अभी जो स्थिति बनी थी उसके साथ उस हिसाब से जो है उनके जो कार्यक्रम में तब्दीली की गई है। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे वन संवाददाता हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि प्रदेश की मुखिया, मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे का क्या कुछ हाल है। लो बीपी की शिकायत है, लगातार यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री की स्थिति सामान्य हो सके।